दोस्तों शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश का राजपत्र जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द वैकेंसी शिक्षा विभाग में आने वाली है, जिसको सहायक शिक्षा बोला जा रहा है। संविदा शिक्षक नहीं है ये, सहायक शिक्षक के पद होंगे। तो दोस्तों प्लीज अंत तक देखें इस वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं ये राजपत्र, जो आधारण राजपत्र जारी किया गया है, इसके बारे में मुख्य अंश। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये राजपत्र जारी किया गया है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई फेक जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल सही राजपत्र है। और ये 30 जुलाई 2018 श्रावण मास 8 सितंबर 40 को जो दिया गया है राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा, इसमें ये पुष्टि की जाती है कि अब शिक्षा विभाग में वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि इसमें भर्ती के नियम बना दिए गए हैं। दोस्तों मैं आपको उसको पढ़ के सुना देता हूँ, बिल्कुल उसको बता भी देता हूँ कि इसको डायरेक्ट आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये वेबसाइट है अपनी, एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली जाकर ये जो राजपत्र क्रमांक 426 है इसको यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने वही स्कूल शैक्षणिक संवर्ग में भर्ती नियम 2018 जो तय कर दिए गए हैं, हमने काफी पहले दोस्तों जानकारी आपको दी भी थी। तो बिल्कुल ये सही जानकारी है कि अब शैक्षणिक संवर्ग में भर्ती के नियम लागू कर दिए गए हैं, बहुत जल्द आपका आदेश आने वाला है। इसको मैं पहले पढ़कर सुना देता हूं आपको। सबसे पहले देखिए यहां पर दिख रहा होगा, ये देखिए, इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 है। ये दिनांक 1 जुलाई 2018 से प्रवर्तित होंगे। ठीक है, परिभाषाएं, इन नियमों में जब तक प्रसंग ऐसे अन्यथा अपेक्षित ना हो, सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से अपेक्षित है, अनुसूचित 1 कॉलम 6 में अंकित प्रयुक्तिक अधिकारी है। तो दोस्तों देखिए ये जो जानकारी दी गई है ये अनुसूची की बात कर रहा है यहाँ पर, और अनुसूची नीचे संलग्न है, उसको मैं आराम से बताऊंगा आपको कि कहां पर कितने क्या भर्ती होने वाली है। इसमें एक सबसे मेन चीज है वो आपके लिए बता दूं मैं, कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित पिछड़ा जाति के लिए 50% और अन्य के लिए 60% की जो शिक्षक पात्रता में दिया गया है, ये शिक्षण पात्रता में न्यूनतम अंकों का प्रतिशत दिया गया है। तो ये पिछड़े वर्गों और दिव्यांग अनुसूचित जातियों के लिए 50% और सामान्य वर्ग के लिए 60% का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है दोस्तों वो आपको हम बताएंगे आराम से, पहले तो आपको बता दें कि कहां पर कितनी आने वाली है। प्लीज दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को अब भी शेयर कर दें, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वरिष्ठता का निर्धारण भी इसमें दिया हुआ है, वरिष्ठता कैसे की जाएगी इसके बारे में दोस्तों हम पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं, पूरा पढ़ के अभी नहीं सुना पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेतनमान भी दिया गया है, प्राचार्य उच्च शिक्षा कब तक भर्ती होगी बस ये जानकारी इसमें नहीं है, वो जैसे ही हमको मिलती है हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल प्राचार्य उच्च शिक्षा विभाग प्रधान अध्यापक माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रधान अध्यापक सभी का खेलकूद शिक्षक सभी के लिए यहाँ पर ग्रेड पे और पूरा सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, इस वीडियो पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और प्लीज प्लीज आप वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इतनी मेहनत से हम ये चीजें लेकर आते हैं, प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारी चीजें, आयु सीमा क्या है और इसके नियम क्या है, सारे पढ़ के सुनाएंगे। तो ये बिल्कुल सही जानकारी है आपके लिए, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, यहां पर बिल्कुल बहुत जल्द आने वाली खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज शेयर करें। जय हिंद जय भारत। सरकारी नौकरी की तैयारी और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।